ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग, वाराणसी कोर्ट ने जगह को सील करने का दिया आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा, योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों के साथ की बैठक व भोजन। यूक्रेन का बड़ा दावा, सुमी क्षेत्र में रूसी घुसपैठ को किया विफल। शीर्ष वैज्ञानिक का दावा, mRNA वैक्सीन के साथ भारत में कोरोना के मामलों में आएगी और कमी। रूस की फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी, नाटो में शामिल हुए तो यूक्रेन जैसा होगा हाल। प्राकृतिक आपदा की तुलना में हीट वेव से हुई ज्यादा लोगों की मौत, वैज्ञानिकों ने बताया साइलेंट किलर। वायुमंडल में घुलते जहर के कारण रूठ रहे विदेशी मेहमान, प्रवासी पक्षियों की संख्या में आई बड़ी गिरावट। दिल्ली में पहली बार पारा 49 डिग्री पर, आंधी व बारिश का अनुमान। दलाई लामा की अपील, मानसिक शांति के लिए गौतम बुद्ध के उपदेशों का करें आत्मसात। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2200 नए मामले, 27 लोगों की मौत। आतंकवाद के मुद्दे पर एससीओ की अहम बैठक, भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन व रूस ने भी लिया हिस्सा। राष्ट्रपति कोविंद की जमैका यात्रा की हुई शुरुआत, भारतीय मूल के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, जल विद्युत विकास और कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सोनिया गांधी ने किए बड़े ऐलान, कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा, पार्टी के भीतर सुधार के लिए गठित होगी टास्क फोर्स। पूर्व पाक मंत्री की चेतावनी, इमरान खान को गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान में होंगे श्रीलंका जैसे हालात। नेपाल में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया गया उद्घाटन, देश को विदेश यात्रा के लिए मिला दूसरा एयरपोर्ट। पाकिस्तान का सिंध प्रांत पानी की किल्लत का कर रहा सामना, देश में आपदा के पैदा हुए हालात। जनवरी 2014 से अब तक 70% बढ़ी महंगाई, 20 सालों में 23 रुपए की थाली हुई 78 रुपए की। गिरफ्तार किए गए इटली के लिए पाकिस्तान के राजदूत नदीम रियाज, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न का मामला। धारावी में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर की थी वारदात। भारत चीन बॉर्डर पर 6 कंपनियां की गई तैनात, चीन से निपटने के लिए भारत ने बढ़ाई ताकत। राजस्थान मुस्लिम संगठनों ने सोनिया को लिखा पत्र, राज्यसभा के लिए बनाए मुस्लिम कैंडिडेट। लुम्बिनी में बोले पीएम मोदी, नेपाल मंदिरों और मठों का देश, यहाँ के लोग भी राम मंदिर बनने से हैं खुश। दुनिया में कोरोना का कहर, हफ्ते भर में 37 लाख नए मरीज, 10,000 से ज्यादा की मौत। एलन मस्क को ट्विटर का लीगल नोटिस, ट्विटर ने लगाया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के उल्लंघन का आरोप।